नमस्कार दोस्तों, करियर क्विप चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ECIL का जो फॉर्म है, तो फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है उसके बारे में फुल डिटेल में जानकारी हम देखने वाले। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके देखूंगा, वो भी मोबाइल से। तो देखिए, यहाँ पर जो ECIL की तरफ से जॉब वैकेंसी निकल कर आई थी, देखिए यहाँ पर इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है, तो देखिए यहाँ पर दिया है आपको 25/9 से आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसका लास्ट डेट है, जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 10/10/2023 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, तो वो 16/10/2023 से लेके 21/10/2023 तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। और देखिए यहाँ पर ज्वाइनिंग आपका 31/10 को आपका ज्वाइनिंग होगा, और जो भी आपका ट्रेनिंग होगा वो आपका यहाँ पर 1/11 से आपका ट्रेनिंग यहाँ पर चालू होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था ECIL की तरफ से, अप्रेंटिस की जॉब वैकेंसी निकल कर आई थी। तो देखिए यहाँ पर ये टोटल वैकेंसी दिया है। तो देखिए नेम ऑफ ट्रेड EM ट्रेड की, देखिए यहाँ पर 190 पोस्ट है, UR की 96 है। इसके बाद देखिए AWS UR की 10 है, OBC की 51 है, SC की 29 है, और देखिए यहाँ पर ST की 14 वैकेंसी यहाँ पर है। देखिए इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर टोटल 80 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिटर की, यहाँ पर वैकेंसी आपकी फिटर की 80 है, RAC की 20 है, टर्नर की 20 है, उसके बाद मशीनिस्ट की 15 है, मशीनिस्ट ग्राइंडर की यहाँ पर 10 है, कोपा की 40 है, वेल्डर की 25 है, और देखिए यहाँ पर पेंटर की यहाँ पर 4 वैकेंसी, मतलब टोटल मिला के 484 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपको एज लिमिट जो दिया था, तो यहाँ पर एज लिमिट जो रहने वाला है आपका 18 साल मिनिमम एज है, और यहाँ पर 25 साल आपका मैक्सिमम एज होने वाला है। इसमें देखिए यहाँ पर ओबीसी के लिए 28 साल है, और SC ST के लिए यहाँ पर 30 साल की यहाँ पर एज रहने वाली है। उसके बाद देखिए आपका जो अप्रेंटिस पीरियड रहने वाला है आपका 1 साल का, यहाँ पर आपका 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन, आपको ITI पास आउट होना चाहिए, NCVT की तरफ NCVT का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। SCVT के ट्रेड यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जिन भी स्टूडेंट का SCVT से ITI हुआ है वो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली सिर्फ NCVT के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्शन मेथड जो रहने वाला है आपका यहाँ पर दिया है, आपका किस तरह से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, मतलब आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो आपका ITI की मार्केट आएगा, उसके बेस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रहेगा, जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपको एड्रेस दिया है। जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस एड्रेस पर आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर CLDC नालंदा कॉम्प्लेक्स TIFR रोड ECIL हैदराबाद में ये आपका रहने वाला है, पिन कोड यहाँ पर दिया है, तो आप इस एड्रेस को देख सकते हैं। उसके बाद कुछ जनरल कंडीशन आपको यहाँ पर दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखिए अप्लाई किस तरह से करना है, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया है किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी अप्रेंटिस पोर्टल का जो अप्रेंटिस की जो वेबसाइट है, जो पोर्टल है, उस पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, आपकी प्रोफाइल होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसको अप्रेंटिस पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स दिया है, तो आप डेट्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फोन से फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट, तो मैंने इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखिए आपको आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पोस्ट, यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये ट्रेड ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आ जाता है, और देखिए यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी आपकी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है, ITI ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पर आपकी पोस्ट ऑटोमेटिक आ जाती है। तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा,
अप्रेंटिस पोर्टल का जो भी रजिस्ट्रेशन रहेगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद देखिए कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आपको फिलअप करना है, फादर नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, मदर नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर रहेगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिलअप करना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका एड्रेस, जो भी एड्रेस रहेगा वो आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पर डोमिसाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डोमिसाइल रहेगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट नेम, तो देखिए यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, एड्रेस, यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, स्टेट डोमिसाइल रहेगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर तेलंगाना आता है और अदर्स आता है, यदि आप तेलंगाना के हैं तो आपको तेलंगाना करना है, नहीं तो आपको अदर स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट नेम रहेगा वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी है, जो भी है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आप PWH कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है तो आपको यस करना है। उसके बाद आपको टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद आपको ITI ट्रेड आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ट्रेड रहेगा वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, जो भी आपका इंस्टीट्यूट रहेगा वो आपको यहाँ पर नेम फिलअप करना है। इंस्टीट्यूट सिटी, जो भी आपकी इंस्टीट्यूट जहाँ पर था आपका वो सिटी आपको यहाँ पर डालनी है। इंस्टीट्यूट टाइप, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट है या प्राइवेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके मार्क्स आपको कितने मिले थे वो यहाँ पर डालने हैं, और जितने भी मार्क्स मिले थे आपको सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों मिला के आपको यहाँ पर डालने हैं टोटल, और यहाँ पर आपके मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स और डालने हैं, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट होके आएगी। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखिए यहाँ पर योर एप्लीकेशन हैज सबमिटेड सक्सेसफुली ऐसा आपको मैसेज आता है। और देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर ये नोट डाउन करके रखना है। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे आप प्रिंट आउट पर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म पूरा यहाँ पर ओपन हो जाता है, पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर ओपन हो जाती है। देखिए इसको डिक्लेरेशन है तो आपको यहाँ पर सिग्नेचर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये फॉर्म आपका इस तरह से आपका ओपन हो जाता है। तो देखिए दोस्तों इसको आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। प्रिंट आउट आप यहाँ से इसको रिप्रिंट भी कर सकते हैं। रिप्रिंट करने के लिए आपको रिप्रिंट पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, आपका आधार नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद रिप्रिंट फॉर्म आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एकदम सिंपल सा फॉर्म था, तो आपको इसको फिलअप कर आप इसको मोबाइल से फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डेट है ये डेट आप नोट करके रखिए, नोटिफिकेशन को एकदम अच्छी तरह से पढ़िए क्या क्या दिया है उसमें। और देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर डेट्स दिया है, इस डेट्स के पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका देखिए यहाँ पर आपका 10/16/10 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। 16/10 और 21/10 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जो आपका ज्वाइनिंग डेट है वो आपका 31/10 को आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, और 1 तारीख से आपका 1/11 से आपका ट्रेनिंग चालू होने वाला है। तो और जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है वो आपके हैदराबाद में आपकी होने वाली है। आपका जो भी ट्रेनिंग रहेगा आपका हैदराबाद में आपको इसको करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है वो देख लिया। चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।